Hello my friend, welcome to all in NSC Physics classes. दोस्तों उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और खूब मेहनत कर रहे होंगे. हम लोग पहला चैप्टर जो था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब इसके क्लोजिंग टाइम आ गए हैं. अब इस चैप्टर को मैं क्लोज करना है. इससे पहले मैं आपको कुछ और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उसे मैं आपको बताना चाहूँगा. एक ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो सबसे पहले आईटी जेई मेंस में पूछे गए थे, फिर ऑल तरह के कॉम्पिटिशन्स जैसे मेडिकल में भी ये क्वेश्चंस, नीट में, और फिर बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों ही बोर्ड में ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे गए हैं. 5 मार्क्स की न्यूमेरिकल होते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, आप दोस्तों इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें. ये एक क्वेश्चन नहीं है हमारा, मैं क्वेश्चन नंबर 26 दिखाना चाहूंगा आपको. एम करीम पेज नंबर 378. अगर आप एक बना लेते हैं 26, तो 24, 25 नंबर, 26 नंबर एंड 27 नंबर एम करीम के जो क्वेश्चंस हैं वो सब सिमिलर हैं. अगर आपने एक क्वेश्चन समझ लिया तो बाकी खुद बना सकते हैं, बस थोड़ा सा चेंजिंग है. इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन चारों में से जो है वो ये लास्ट है. इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा. इस क्वेश्चन को आईटी जेई मेंस ने भी सबसे पहले पूछा गया था. आईआईटी जेई मेंस में ये क्या ये पूछा हुआ क्वेश्चन है. क्वेश्चन थोड़ा दोस्तों आपका टिपिकल है, इसको भी आप हॉट न्यूमेरिकल्स कह सकते हैं क्योंकि ये 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन है. क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है. क्वेश्चन कहा जा रहा है कि टू आइडेंटिकल बॉल ऑफ मास m चार्ज q आर हैंगिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ए रिजिड सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ l. If they are separated at x distance, then we have to prove that the distance between two balls is equal to the q square l by 2 pi epsilon naught into mg. 2 pi epsilon naught into mg. तो हमें ये फॉर्मूला प्रूफ करना है. According to this question, two identical balls, दो एक समान बॉल हैं, हर एक का मास सेम है, चार्ज सेम है, इक्वलाइट चार्जेस हैं दोनों पे, और दोनों को एक ही पॉइंट से लटकाया गया है. तो दोस्तों हम फिगर से इन्हें समझाना चाहेंगे, तो ध्यान से समझें. ये एक रिजिड सपोर्ट हो गया. रिजिड सपोर्ट एक ऐसा सपोर्ट जो काफ़ी मजबूत होता है, जिसे कुछ लटकाए तो वो टूटे नहीं. कारण इसके किसी एक पॉइंट से दो इक्वल लेंथ के स्ट्रिंग से दो बॉल को लटकाया गया है. टू बॉल्स आर हैंग्ड विद द हेल्प ऑफ टू स्ट्रिंग, इक्वल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ इज एल, बोथ हैज इक्वल लेंथ एल एंड बोथ स्फीयर हैविंग सेम चार्ज. दोनों पे चार्ज सेम है. लेट बोथ कंटेन क्यू क्यू चार्ज. दोनों के मास सेम है. तो दोस्तों आपने क्या पढ़ा है कि अगर मान लो दोनों पे प्लस प्लस चार्ज है तो लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, तो दोनों के बीच रिपल्शन हो गए. तो कहा जा रहा है कि दोनों के बीच जो दोनों बॉल जो है ये आपका सटा हुआ नहीं है, बल्कि इनके बीच का जो गैप है वो एक्स दिया गया है. दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं कि अगर ये बॉल पे चार्ज नहीं हो और दो बॉल को अगर आप एक ही पॉइंट से लटकाएंगे तो आप क्या देखेंगे, ये दोनों बॉल सटा हुआ रहेगा एक्चुअल में प्रैक्टिकल, अगर चार्ज नहीं हो, दोनों पे न्यूट्रल बॉडी हो. लेकिन यहाँ पे एक जादू हो रहा है कि दोनों बॉल सट नहीं रहा है बल्कि उनके बीच कुछ गैप है. कितना गैप है? एक्स. तो हमें यही प्रूफ करना है कि ये गैप का वैल्यू क्यू स्क्वायर एल बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी होल पावर 1/3 होगा. दोस्तों हमें इसे कैसे प्रूफ करेंगे, इस फॉर्मूले को प्रूफ करना है. इनके बीच का जो सेपरेशन क्यों हो रहा है, आप समझ रहे हो कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, दोनों पे प्लस प्लस चार्ज है, श्योर रिपल्सन होगा. तो इनके बीच का गैप निकालना है, हमें प्रूफ करना है ये एक्स है. इसे के लिए पहले आपको एफबीडी बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने होंगे कि इन दोनों चार्ज पे, चार्ज बॉल पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं. तो दोस्तों हम लोग इस डिस्टेंस को क्या मान रहे हैं, एक्स. एक परपेंडिकुलर यहाँ से ले लें आप.
अब आपने पढ़ा है कि वेट जो है वो ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है एम जी, इस धागे में टेंशन होता है, टेंशन फोर्स टी। अब आप इनको थोड़ा आगे बढ़ाएं, दिस एंगल लेट थीटा, देन दिस आल्सो विल बी थीटा, एंड दिस इज टी, देन दिस विल बी टी कॉस थीटा। किधर एंगल बनता है उधर क्या लेते हैं कॉस, याद होगा आपको दोस्तों, और इस डायरेक्शन में क्या होगा टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा, एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, इधर एक रिपल्सन फोर्स लगेगा एफ। सेम काम आप यहां पे कर सकते हैं, आप इसको ऊपर बढ़ाएं, दिस थीटा, दिस इज टेंशन फोर्स टी, दिस विल बी टी कॉस थीटा, दिस विल बी टी साइन थीटा, एंड अगेन वेट किधर लगेंगे डाउनवर्ड, प्लस प्लस चार्ज की बीच क्या होगा रिपल्शन। तो अकॉर्डिंग टू एफबीडी, इस फिगर का नाम क्या हुआ एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम, कि कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इस एक बॉल पे एक रिपल्शन फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड, और टी के दो कंपोनेंट, टी क्या है टेंशन फोर्स, इनके दो कंपोनेंट जिधर एंगल बना उधर कॉस, उसके परपेंडिकुलर में साइन। अब ये टी साइन थीटा और फोर्स एफ, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करो, बैलेंस किए हुए इक्वल और अपोजिट फोर्स जब लगते हैं तभी बॉल या ऑब्जेक्ट बैलेंस कंडीशन में होता है। तो अकॉर्डिंग टू एफबीडी वी कैन से द टी साइन थीटा बैलेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, जस्ट लाइक सेम टी कॉस थीटा इज बैलेंस्ड बाय एमजी, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस फ्रॉम फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, दोनों को डिवाइड करें, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा एंड दिस साइड F upon mg, tt cancel, you know sine by cos that is tan, sine theta by cos theta that is tan theta, so tan theta is F by mg। तो दोस्तों कुछ लोग इस डायरेक्ट फॉर्मूले को ऑब्जेक्टिव के लिए यूज करते हैं, जब भी इस तरह का अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो वहां पे आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, या फिर इससे आप F निकाल लें। अगर हम लोग F निकालना चाहें इससे, F का क्या फॉर्मूला आएगा दोस्तों, T mg into tan theta, ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर दो बॉल को इक्वल लेंथ के धागे से बांधा जाए तो वैसे ही कंडीशंस में ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया। अब हम लोग इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला पढ़ा है 1/4πε0Q1Q2r² पुट करें, इधर लिख दें mg tan theta। अब आप मान पुट किया जाए, Q1 is Q, Q2 is Q, and R is X, this will be mg, and for small angle tan theta is equal to sin theta। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ा, यहाँ पे देखिए theta is small कहा जा रहा है, for small angle आप ऐसा करेंगे, for small angle tan theta is equal to sin theta, tan theta किसके इक्वल होगा sin theta के इक्वल होगा, और फिर आप साइन थीटा का फॉर्मूला पुट करना चाहें, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होगा दोस्तों, क्या फॉर्मूला होता है पी बाई एच, दिस थीटा तो दिस विल बी पी, दिस विल बी एक्स बाई टू, एंड एच क्या हो दिस 90 है, थीटा के सामने पी होता है, 90 के सामने एच होता है, तो हमारा ये मान कितना होगा एक्स बाई टू। अटेंशन दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ तक सॉल्व किया, यहाँ पे स्मॉल एंगल के लिए टेन थीटा को आपको साइन थीटा मानना पड़ेगा, देखिए टेन जीरो और साइन जीरो दोनों के वैल्यू लगभग क्या होते हैं जीरो ही होते हैं, इसलिए स्मॉल एंगल के लिए आप कर सकते हो टेन थीटा इक्वल साइन थीटा, और साइन थीटा का क्या मान होगा आप इस फिगर से आ जाइए, इस फिगर में देखिए पी बाई एच की बात करें, साइन थीटा का फॉर्मूला आपने पी बाई एच पढ़ा है, थीटा ये एंगल है हमारा तो सामने वाला पी होगा, एच हमारा क्या हो गया एल हो गया, तो पी का मान पूरा एक्स है, ये हाफ क्या होगा एक्स बाई टू, तो x by 2 और फिर h की जगह पे हम 90 के सामने h होगा हमारा l आ गया। अब आप यहाँ पे sin theta का जो वैल्यू है उसको पुट कर दें, तो 1/4πε0Q²/x²mg, और sin theta को x by 2l लिख सकते हैं। दोस्तों
आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. हम लोगों ने क्या किया, टेन थीटा को छोटे एंगल के लिए साइन थीटा माना और साइन थीटा का मान इस फिगर से निकाला. फिर से देखें साइन थीटा का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, पी बाई एच. थीटा देखिए यहाँ पे है हमारा, तो इसलिए हमारा पी होगा. टोटल एक्स है, हाफ क्या होगा एक्स बाई टू, और ये क्योंकि 90 है तो ये हमारा एल होगा. तो साइन थीटा का जो वैल्यू है इसको आप पुट कर दें इक्वेशन थर्ड में. अब इस टू को यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं, टू टू जा फोर. अब जो बचा इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो क्या बचा, आप टू देखिए टू है, पाई है, एप्सिलॉन नॉट है, एक्स स्क्वायर है, एम जी है, एक्स है. इस साइड देखें क्यू स्क्वायर इंटू एल आएगा. अब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज दिस विल बी एक्स क्यू, दिस इक्वल टू द क्यू स्क्वायर एल. अब बाकी सब को आप नीचे भेजें, नीचे क्या जाएगा, टू पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी एक्स स्क्वायर और x क्या हो गया पावर एक्स क्यूब. अब हमें प्रूफ क्या करना है, x डिस्टेंस बिटवीन टू बॉल्स दैट इज x. x निकाल रहे हैं, x का क्या फॉर्मूला होगा, अभी ये क्यूब को हटाएंगे, इधर क्यूब रूट्स डाल देंगे, क्यू स्क्वायर एल अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, और ये हॉल पे पावर आप लिख सकते हैं 1/3. तो दोस्तों आप क्वेश्चन पे आए, देखें आपको यही प्रूफ करना था, सेपरेशन बिटवीन दिस टू सिमिलर पॉल्स कंटेनिंग लाइक चार्जेस हैंगिंग विद हेल्प ऑफ टू स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ मासलेस स्ट्रिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ रिजिड सपोर्ट. जब दो बॉल हो, दोनों पे सेम चार्ज हो, दोनों को समान लंबाई के धागे से बांध कर एक ही पॉइंट से लटकाया जाए तो वैसे कंडीशन में इनके बीच का डिस्टेंस इस छोटे एंगल के लिए एक्स का ये फॉर्मूला हमें प्रूव करना था. इस तरह से ये हमारा प्रूव्ड हो गया. उम्मीद है कि दोस्तों आपने आगे भी जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें बना लिया होगा. तो कहा जाता है ना अंत भला, चलिए हम अंत का जो लास्ट क्वेश्चन है करीब का 40 नंबर ऐसे दिखाना चाहूँगा. 30 जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 30. इसमें क्वेश्चन क्या कहे जा रहे हैं कि दो बॉल्स हैं, टू बॉल्स यहाँ भी है आपको, और दोनों पे चार्जेस दिए गए हैं. क्वेश्चन में नहीं लिखा हूँ, स्पेस की कमी है, आप क्वेश्चन देखें खुद से. क्वेश्चन ऐसे आप यहाँ से समझ सकते हैं, टू बॉल्स, एक पे चार्ज है 8 माइक्रोकूलम और दूसरे पे है -4 माइक्रोकूलम की चार्ज है. अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों जो बॉल्स हैं दोनों को टच कराया या फिर दोनों को, मैं एक बार क्वेश्चन आपको पढ़ दे रहा हूँ, आप भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन को समझ लें. टू आइडेंटिकल स्फीयर्स हैविंग चार्ज 8 माइक्रोकूलम -4 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट सर्टन डिस्टेंस अपार्ट. Now they are touched and after that again kept at same distance. Compare the force in two cases. अब क्या किया गया, इन दोनों बॉल को टच कराया गया, दोनों बॉल को लाके सटा दिया गया. तो होगा क्या, टच कराने पे दोनों पे इक्वल चार्ज आ जाएंगे क्योंकि सिमिलर बॉल्स हैं. तो मान लिया जाए कि चार्ज दोनों पे क्यू क्यू हो गया. अब आप इन दोनों को फिर कहा जा रहा है कि सेपरेट कर दें, आप उतना ही डिस्टेंस जितना कि शुरू में था उतना ही डिस्टेंस पे रख दें, क्यू क्यू डिस्टेंस. तो इन दोनों कंडीशंस में, पहले कंडीशंस में मान लिया जाए कि फोर्स हमारा एफ है, डिस्टेंस आर है. अब जो है फोर्स हमारा एफ टू हो गया, डिस्टेंस उतना ही रखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. डिस्टेंस है आर जो पहले था, अब भी वही है. पहला काम आपको ये चार्ज निकालना था आफ्टर कनेक्टिंग, आफ्टर टचिंग व्हाट विल बी द चार्ज ऑन इच बॉल. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप लगा सकते हो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. आपने क्या पढ़ा है, टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है, टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. अगर आप इसको Q1 मानते हैं, इन्हें Q2 मानते हैं,
ये बिफोर कनेक्टिंग है और ये आफ्टर कनेक्टिंग या आफ्टर टचिंग जो है चार्ज सेम आ गया है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 दिस विल बी इक्वल टू द Q प्लस Q, दिस इज 8 एंड दिस इज माइनस 4, दैट इज 2Q, 8 प्लस माइनस माइनस 2Q, दैट इज 4 इज 2Q, सो Q विल बी 4 बाई 2, दैट इज 2। तो चार्ज कितने आ गए, 2 माइक्रो कूलम के चार्ज हो गए। अब आपको फोर्स का रेशियो, पहला जो फोर्स है इसको F1 कह दें, फार्मूला लगाएं K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, K रहने दें, Q1 हमारा 8 है, Q2 4 है, अपॉन R स्क्वायर। तो F1 हमारा 32 K अपॉन R स्क्वायर आ गया। F2 की बात करें फिर यही फार्मूला बैठाएं, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, के Q1 देखें, Q2 है हमारा, Q2 भी 2 है, बाई R स्क्वायर कर दें, 4K बाई R स्क्वायर, दोनों को डिवाइड करें, फ्रॉम फर्स्ट डिवाइड, रेशियो निकालना है तो क्या करना है, डिवाइड करना है, ये हमारा F2 है, F1 बाई F2 निकालना है। तो देखें F1 हमारा क्या है, 32K अपॉन R स्क्वायर, F1 की बात करें 4K बाई R स्क्वायर, R स्क्वायर कैंसिल, K कैंसिल, 4 8 जा 8 बाई 1, हेंस F1 इज टू F2 का मान हमारा आ गया 8:1। इस तरह से हमारा ये पूरा चैप्टर द एंड हो गया। तो दोस्तों ये हमारा एक काफ़ी लंबा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक चार्ज के नाम से था, एम क्रीम के हिसाब से हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ, एनसीईआरटी के हिसाब से हमारा ये पहला चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है, अगली क्लास में हम लोग अब सेकेंड चैप्टर पर जाएंगे, हमारा सेकेंड चैप्टर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। दोस्तों आपको पता है कि अभी आपके क्लासेस इस लॉकडाउन के कारण काफ़ी लंबे पीरियड तक बंद रहेंगे, आपका समय बर्बाद ना हो, आप घर पे भी अच्छे से आप अपने वक्त का उपयोग करें, यूज़ करें, ये जो ऑनलाइन क्लास है इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, आप इन्हें देखें, एक बार से नहीं होता, आप एक बार, दो बार, तीन बार देखें, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, मैं ज़रूर आपके जो भी समस्याएं होंगी उसका समाधान करूंगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है आप ज़रूर कमेंट करें, न्यूमेरिकल्स पे ख़ास ध्यान दें, किसी भी कॉम्पिटिशन में मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा सिर्फ न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसलिए आप इसे सही से पहले नोट करें, कोई प्रॉब्लम हो आप फिर पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।